और अब बात सड़क पर आक्रोश की। टिकटों का ऐलान तो पार्टियों ने कर दिया है, लेकिन अब उसके बाद जो सिर्फ फुटबॉल की स्थितियां निर्मित हुई है, उससे चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और दल हो, उनको निपटने में पसीने छूट रहे हैं। और यही वजह है कि हमें लिखना पड़ रहा है सड़क पर आक्रोश। जी हां, टिकट वितरण के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में असंतोष और टिकट बदलने को लेकर जो मांग है वो जोर पकड़ रही है। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थक जयविलास पैलेस पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में गिरकर बाकायदा टिकट बदलने की उनसे मांग की है। और इसी तरह भोपाल दक्षिण पश्चिम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर पार्टी प्रत्याशी बदलने की मांग भी की। यहां पर कार्यकर्ता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इसी तरह काला पीपल के बीजेपी नेता कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी का टिकट बदलने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बाहरी के बजाय स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की। तो बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा तो कहीं पर टिकट बदलने की बात कही जा रही है। मुन्ना लाल जो रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब सरकार बनी, उसके बाद 2020 में जब ये पाला बदला सिंधिया और उनके समर्थकों ने, उस वक्त मुन्ना लाल गोयल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्टी ने उन्हें उपचुनाव में भी मौका दिया था, इसके पहले भी मौका दिया था, लेकिन इस बार चूंकि उनका टिकट जो है काट दिया गया है और इसलिए भी वो इस बात से बेहद नाराज। तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उसके बाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति सिर्फ एक संगठन में या एक पार्टी में नहीं है, दोनों जगह पर हालात वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या है बीच का रास्ता, क्या कोशिशें हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कुछ भी कहिए, जिस तरह से ये हो या भाजपा, पहले कहा जाता था कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों में स्थितियां ही बनी है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हमने देखा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किस तरह के पिछले दो दिनों में प्रदर्शन हुए, लेकिन बीजेपी की सूची आने के बाद भाजपा कार्यालय में भी वैसे ही हालात हैं। शाजापुर से लेकर ग्वालियर तक के जो है नेताओं के समर्थक पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं, नेताओं को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े नेता जो कोर कमेटी के मेंबर है, राष्ट्रीय नेता बीजेपी के, उनको लेकर जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस है या भाजपा, अब अनुशासन के नाम पर दोनों ही पार्टियों में कोई अंतर नहीं बचा और जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। जी बिल्कुल अनुराग, हंगामा तो बदस्तूर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि ये जो हंगामा है ये कैसे शांत होगा, ये जो डैमेज है वो कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए क्या कवायदे चल रही है, कितनी संभावना है इस हंगामे के लिए कुछ बदलाव करने की? देखिए, बीजेपी को एक उम्मीद थी कि अगर वो लेट टिकट घोषित करेंगे तो उसके बाद अष्टमी नवमी और दशहरे का त्यौहार है तो हंगामा कम होगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत इसके बावजूद भी समर्थक जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सभी जगहों पर, यहाँ तक कि जो शाजापुर जैसी छोटी छोटी जगहों से कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच रहे हैं। अब इसको डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव और अश्विन वैष्णव जैसे नेताओं को दी गई है। देखना ये होगा कि इन नेताओं की बात कितना इनके समर्थक सुनते हैं। इस दशहरे के ठीक बाद में एक बार फिर इनसे चर्चा का दौर शुरू होगा। फोन पे हालांकि तमाम नेता इन नेताओं इन सभी लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो मुन्ना लाल गोयल के समर्थक हो, जो काला पीपल के पूर्व प्रत्याशी के समर्थक हो, या फिर हम बात करें जबलपुर के नेताओं की, धीरज पटेलिया या उनके समर्थकों की, सारे की सारे नेताओं के समर्थक या इनको मनाने के लिए उन नेताओं से सीधे बात करने की कोशिश भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जैसे नामों के साथ की जा रही है, क्योंकि स्थानीय नेताओं से बात कराने का उतना ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, इसलिए बीजेपी ने इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं को चुना है, इन दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी है। जी चलिए अनुराग, आप नजर बनाए रखिए, देखिए किस तरह से क्या यहाँ पर नई स्थितियां निर्मित होती है, क्या बदलाव होता है, इसका इंतजार तमाम लोगों को है, उन समर्थकों को भी है जो नाराज है और उनको भी है जिनको उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।